हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आइए तो आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम बनाते हैं आलू पालक की सब्जी, जो बिना प्याज लहसुन से बनेगी। आप नवरात्रि में भी इसको खा सकते हैं दोस्तों। ये मेरे घर के गार्डन में छोटा सा गार्डन है, उसमें मैंने पालक लगा रखी है, तो मैंने वहाँ से तोड़ी है। करीब 1 kg पालक है और मैंने आधा kg ले लिया है आलू, जो बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिए हैं, अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अभी पानी में ही है, नहीं तो काले पड़ जाते हैं ना, तो इसलिए मैंने पानी में ही डाल रखा है। इधर ले लिए मैंने 3 से 4 लाल मिर्च, हरी वाली जो मिर्च लाल हो जाती है वही मिर्च है, और थोड़ा सा हींग और जीरा ले लिया है, अदरक का टुकड़ा छोटा सा। चलिए तो इसकी तैयारी करते हैं। कढ़ाई में लगाते हैं तेल, थोड़ा सा डालते हैं हींग और जीरा जो हमने आपको दिखाया है। अगर आप हींग स्किप करना चाहते हैं, कई लोग नवरात्रि में नहीं खाते हैं, तो दोस्तों आप कर सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं खाली। इनको भून लेंगे हल्का हल्का धीरे से। इसको भूनने के बाद जैसे ही जीरा हमारा तड़केगा, अदरक जो हमने ग्रेट की थी ग्रेटर से, अदरक का टुकड़ा था ना वो हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था, उसको भी हम भून लेंगे। इधर मिर्च भी हमने डाल दी है। इन सब के भूनने के बाद क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम आलू अपने फ्राई कर लेंगे। आलू को अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और स्लो गैस की फ्लेम को स्लो रखना है, ठीक है, हाई ना करिएगा दोस्तों। इसको फ्लेम लो बिल्कुल रखिएगा, स्लो पे रखिएगा, और इसको ढक के भून लीजिएगा ताकि आलू का जितना मॉइस्चर है वो सब ख़त्म हो जाए, और आलू हमारे जैसे थोड़े से सॉफ्टपन, नहीं कुरकुरापन, जैसे क्रिस्पी हो जाते हैं ना आलू एकदम करारे, उस तरह से हो जाएंगे दोस्तों। आलू में मसाला कोट हो जाएगा, बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, बहुत टेस्टी। अभी देखिएगा आप आगे आगे वीडियो में, तो मन तो करता है कि इस तरह से बना के बच्चों को रखें, तो टिफ़िन में कई बार मैं ऐसे भी बना देती हूँ, तो आप भी बना के बच्चों को टिफ़िन में लंच बॉक्स में रख सकते हैं। इधर मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, आलू के अकॉर्डिंग डाला है, आलू हमारे जितने हैं, क्योंकि पालक में नमक ज़्यादा हो जाता है दोस्तों, तो पालक जब डालेंगे तो आप टेस्ट कर लीजिएगा कितना नमक है कितना नहीं, उस हिसाब से डालिएगा। इधर मैंने रेगुलर मसाले जो होते हैं ना, हल्दी मिर्चा धनिया पाउडर नमक, जो भी आपको डालना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। लाल मिर्च डाली है, हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया था मैंने पहले। अब थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला, ठीक है, और भुना जीरा मैं ज़रूर डालूंगी दोस्तों। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अगर भुना जीरा 1 से 1.5 चम्मच डालें, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है दोस्तों भुने जीरे का, सब्जी में चांद चांद लग जाते हैं, तो आप ज़रूर डालिएगा, थोड़ा सा नहीं 1 चम्मच तो डालिएगा दोस्तों। ये देखिए मसाले में हमारे आलू कितने अच्छे से कोट हो गए हैं। अभी ये जब भुनेंगे ना दोस्तों, भुनने के बाद आलू इतने अच्छे लगते हैं देखने में, और खाने में तो और ही स्वाद में आते हैं ये। तो आइए तो हम आलू ढक के फ्राई कर लेते हैं, और इधर हम पालक को कट कर लेते हैं। पालक में दोस्तों बहुत आयरन होता है, तो प्लीज़ बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। और अगर ऐसा पालक फ्रेश मिल जाए अपने घर के गमलों में या गार्डन में लगा हो, तो उसकी तो बात ही और है। और दोस्तों मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरी आपको रेसिपी कैसी लगती है, मेरे बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगता हो। तो प्लीज़ आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है, तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इधर मैंने पालक कट कर लिए, इस तरह से सारी पालक कट कर लेंगे। और ये आलू देखिए मैं ऐसे ही खोल के 2-3 बार इसको हिला दूंगी हल्का सा, और फिर ढक दूंगी, क्योंकि आलू में जो मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा ना, तो आलू अच्छे से हमारे बढ़िया से भुन जाएंगे। देखिए कितने अच्छे से भुन गए हैं आलू दोस्तों, ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। अभी कट करके दिखाएंगे दोस्तों, ये देखिए कितने अच्छे से आलू हमारे ये देखिए पक गए हैं, 60 से 70% तक पक गए हैं हमारे आलू, तो 20-30% रह जाएंगे, तो वो पालक के साथ बन जाएंगे। इसमें अब इस स्टेज पे हम लोगों को पालक डाल देनी है, पालक के साथ आलू को पका लेंगे दोस्तों। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 3 सेकेंड और लगेंगे, बस हमारी सब्जी तैयार हो जाएगी।
बस ये है कि अलट पलट के देखते रहिएगा, क्योंकि आलू हमारे पक चुके हैं, बस जो पकेंगे थोड़े बहुत रह गए, जो भी कसर रह गई है वो आलू और पालक में, पालक साथ साथ पक जाएंगे। ठीक है, ये देखिए तैयार हो गई है सब्जी हमारी, यम्मी सी सब्जी दोस्तों, बहुत अच्छी लगती है। प्लीज़ बनाइएगा और शेयर कीजिएगा मेरे साथ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखकर आप लोगों ने ये बनाई है, आप लोगों को बनाना आती है, आती होगी, सभी को आती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मुझे ही आती है, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। सो आइए तो इसको हम सर्व कर लेते हैं। सब्जी हमारी बनके तैयार है दोस्तों। इस स्टेज पे हमको सब्जी को एक बोल में निकाल लेना है और पूरी पराठे के साथ एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।